Oh,
अपनी मेरे ख्याल लास्ट में जिन्हें भी नचना है अपनी आखिरी भेड़ है उस तो बाद तक तो आगे लगे अभी मैया भेड़ा देखो मेरी मैया की लाल प्रबंधक कमेटी के वालों और जिन्होंने असी ना नहीं ले सके तो माफी चाहते हैं माता रानी सारा चढ़िया गलों में रखे। सो इस अलावा जी अपना जिन्हें भी तुम ऐप चलाने हो यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम तुम सर्च कर सकते हो सिंगर कैनेडा। सो हो सके तो जरूर फॉलो करना है।
इन्ना सारा प्यार इन्ना सारा मान सत्कार पैदल अनुवाद करते हैं जी साडे मां चिंतपुर्णी जिहड़ा साडा क्लब है जिन्हां दे वल्लों इह सोहणा जिहा प्रोग्राम लिखिया गया है। सो माता राणी दे दरबार तों कोई भी खाली ना जावे, दाती मां सदियां आसां मुरादां पूरियां करे। सो एक बार फिर तो तुसी इन्ना मान इन्ना सत्कार दिता है ते मैं तो कहां कि दाती मां इसे तरह हर साल इह जागरण होवे, इस तो भी होर वधिया होवे। सो दाती मां तुहानूं सारिआं नूं बल बख्शे। एक बार फिर तो धन्नवाद करदे हां जी तुहाडे सारिआं दा। Oh,
ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਚ ਲਓ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮੈਸਾ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੀ Yeah.
भाई हाकी लोगों तो सत्ता लोगों बहुत सम्मान धन्यवाद है सारी कमेटी लोगों मान बहुत करामत सेना वाले का बहुत साथी दरबार की और संगत रूप में बाबा जी मेरी वाले तुसी थ्रो क्यों घटा देने वाला वाला आखिर क्या कर रहे प्राण यार मेरे वाले थोड़ी घटाने तो संगत रूप बेनती है कि चाह घर में बड़े सत्कार के नाल बैठ के चाह पीनी इधर जो भैणा दे विच साडे भरा चाह का लंगर बरता रहे उन्होंने बेनती है कि माड़ी जी आवाज दे दिया करो कोई भैन जी एक लाइन जी बना लो सानू लंघन नू रास्ता दे दिओ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चे बैठे और कमेटी को बेनती है जी कि ग्रुप लवा दिता गा मैं क्योंकि चमक गल करवाइया सारी रात बहुत औखा कम है समा काफी हो चुका है उपरों सियाने पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि जी माँ तारा राणी की कथा उतारे की शामिल शामिल होंगी है तो 5 मिनट की ब्रेक है जब तक तुम सारी संगत चाह पी लो और जब तक साढ़े भक्तजन अपने सैटिंग कर लेंगे सैटअप जो अपना है ना वो भी अपने रिदम वगैरह फिर तारा राणी की कथा आप शुरू करा 5 मिनट की ब्रेक लै रही है पंडित जी के कंटिन्यू चलेंगे ओके 5 मिनट की ब्रेक है जी और सारी संगत को बेनती है कि संगत ने इसे तरह बैठे रहना प्रसाद लैके जाना बच्चे ने भैणा ने झोली के फल का प्रसाद पाना है उन्होंने भी बेनती है कि उन्होंने भी फल पवा के जाना है बोलिए सच्चे दरबार की आवाज नहीं आई बोलिए सच्चे दरबार की ऐसा मेहरबानी 5 मिनट की ब्रेक है जी जो सूए सूए बने वाली माता तुहाड़ी सदा जयकारा जगदियां जोतां वाली दा बोल सच्चे दरबार की सो सारे भक्तों नूं बेनती है कि जिन्हां मेरे वीरां भैण भरावां ने चाह पी लिया तां साडी हत्थ बन के बेनती है कि हुण बैठण दी कृपा करो जो जागरण दा मूल मंत्र तारा राणी की जो कथा शुरू की जाए जयकारा जग दिया जोतां वाली दा कश्मीर मुख मंदर अंबिका सच दी जोत पर सत की सीता मैं बारे आती में अष्ट पूजी माती चौथा दे मैं बारे बारे जावा मेरी सचिया जोता दे वाली माँ ये जोता दे मैं बारे बारे जावा मेरी सचिया जोता दे वाली माँ ये जोता दे मैं बारे बारे जावा नौ में उपजे नौ ने राता नौ ने राता मैं दासी में दासी अब तारी जोता दे मैं बारे बारे जावा मेरी सतिया जोता दे वाली माँ ये जोता दे मैं बारे बारे जावा मेरी सतिया जोता दे वाली माँ ये जोता दे मैं बारे बारे जावा प्यारी में उपजे
ग्यारह नू धनिया मैं वारे मा बारे में वारा मासी जोता दे मैं वारे वारे जमा मेरी सटिया जोता दे वाणी मा ये जोता दे मैं वारे वारे जमा मेरी सटिया जोता दे वाणी मा ये जोता दे मैं वारे वारे जमा तेरी में उपजे तेरा रतन मा तेरा रतन मा मैं वारे मा चौदह में चौदह पवन दीवार के जोता दे मैं वारे वारे जावा मेरी सटिया जोता दे वाली माँ ये जोता दे मैं वारे वारे जावा मेरी सटिया जोता दे वाली माँ ये जोता दे मैं वारे वारे जावा अंदर में उपजे पंद्रह तिथिया पंद्रह तिथिया मैं वारे माँ सोली में सोला कला पूरन के जोता दे मैं वारे वारे जावा मेरी सटिया जोता दे वाली माँ ये जोता दे मैं वारे वारे जावा मेरी सटिया जोता दे वाली माँ ये जोता दे मैं वारे वारे जावा वाली तेरी जय कर जावागे तेरा वाली तेरी जय कर जावागे पहाड़ा वाली तेरी जय कर जावागे पहाड़ा वाली तेरी जय कर जावागे जय करा जगदियां जोतां वाली दा देसी माँ दियां सोलह कला मां भगवती अष्ट भुजावां वाली मां सोलह कला संपूर्ण होए ने तारा राणी की कथा शुरू करन तो पहला भक्त जन मां दियां सोलह कला संपूर्ण पढ़ते ने उस तो बाद तारा राणी की जो कथा शुरू की जाती है। अद्धी अद्धी राती मां ने शेर सिंगारिया सिंह सिंगारिया सिर ते काठी पाई का लंगर वीर मां नूं पुछदा मां जी तुसी कित्थे जा रहे हो मां कहण लगी मेरे संतां भगतां जगन कराया हवन कराया मैं उत्थे चली हाँ ता लंगर वीर मां नूं कहण लगा मां मैनू भी नाल लै चलो मैं भी भगतां दीआं भेटां सुणांगा प्रसाद छकांगा मां भगवती लंगर वीर नूं नाल लै के कित्थे पहुंच जांदे हन राजा मान सिंह दे स्थान पहुंच जांदे हन सब तो पहला मां भगवती का जागरण राजा मान सिंह ने करवाया सी ज्यादा संपूर्ण करने वास्ते मां भगवती राजा मान सिंह दे स्थान पहुंचे पहला जागरण इस तरह दी सी करया करदे एक चंदन दी चौकी उपर बागोली ग्लेवल बिछा के नौ साल कन्या नूं इशनान करवा के उस चंदन दी चौकी उपर विराजमान किया जाता सी तां उस कन्या विच मां पवन रूप प्रवेश करती सी ते जागा संपूर्ण मन्या जाता सी जागा संपूर्ण करके मां भगवती पहाड़ा विच पहुंचे तां जद पहाड़ा विच पहुंचे तां कन्ना दे विच आवाज पई जय मां जय मां जय मां मां भगवती लंगर वीर नूं कहण लगे लंगर वीर अद्धी रात दा वक्त है इस समय कौन भगत मैनूं याद करदा जाके वेख लंगर वीर मां दी आग्या अनुसार उस भगत कोल जांदा भगता तेरा की नां तूं की दियां गवां चार रहा है तां आपस विच जवाब सवाल करदे ने जरा गौर फरमाउणी किस दियां गवां चारे दा भगता किसदा तू जापे दा ए ना 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 माते पिता दिया गवां मैं चराउणा ए शक्ति दा जापे दा ए ना शक्ति दा जापे दा ए ना ਵਸਦਾ ਭਗਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਂ ਸਰੂਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਭਗਤਾ ਕਿਆਨੂੰ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਆਨੂੰ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਿਆਨੂੰ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਮਾਂ ਕੋਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਸਹਿਰ ਰੰਧਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਨੂੰ ਭਗਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ
मां भगवती लंगर वीर नूं कहण लगे आपां इस भगत नूं दर्शन जरूर दे के जावांगे। मां भगवती लंगर वीर नूं नाल लैके त्यानू भगत कोल पहुंच जांदे हन। त्यानू भगत हजे भी जय मां करी जा रहा है। हस हस पुछदी माता लाडली तू क्या मेरी भेट लिया, होर ना चढ़ाइया सत सपारियां दिता वचड़े ने सी चढ़ा। सो मैं प्रबंधक कमेटी नूं बेनती करा कोई भी मेंबर होवे जे साडी आवाज सुनदा होवे तां मां दे दरबार विच पहुंचण दी कृपा करे जल्दी तों जल्दी। ध्यानू भगत कहण लगा मां इस समय मेरे कोई भेट नहीं है ना ही कोई बाजार खुला है। इन्ना कहण दी देर सी ध्यानू भगत ने अपना सीस उतार के मां दे चरणा विच रख दिता। कह दिओ जय माता। हाँ मां अगे कल युग दा जमाना आ रहा है, तेरे घर घर दे विच जगराते होणगे मां। ऐसा कोई भगत नहीं होगा कि जेड़ा तेनू अपने सीस की पेट दे दिया करेगा। मां तू नारियल की पेट स्वीकार कर लिया करी, उदों तो ही मां नारियल की पेट स्वीकार करती आ रही है। जदों आपां नारियल नूं सिलदे हाँ इस विचों एक गिरी निकलती है, उस गिरी उपर मनुखी चेहरे का निशान हुंदा है। त्यानू भगत नूं वर दे के गांह चले जांदे ने, तुरे जांदे ने, तां लंगर वीर नूं मां कहण लगी लंगर वीर रुक इत्थे अपने बहुत ही पुराने भगत रहिंदे हन, जा उन्हां भगतां नूं कह कि मां भगवती पहाड़ा विचों चल के आए ने, तुसीं दर्शन कराओ आप दे दर्शन दिओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਓ। ਤਾਂ ਪਾਂਡੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਭਗਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਓ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਪਾਂਡੋ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਦ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੇ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਓ। ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ
मां की तलाश करो, अपनी भुल बख्शाओ। भगत मां की आग्या अनुसार जंगल विच चले जाते, मां नूं लभदे फिरदे पर मां किधरे नजर नहीं आई। तो आखिर साधु रूप लंगर वीर मिल जाता है। उस लंगर वीर नूं पुछदे हन कि बाबा जी तुसी साडे कोल गए सी। तां लंगर वीर कहण लगा, हुण समां लग चुका, लंगर वीर कहण लगा हुण समां लंघ चुका है। कहिंदे ने घड़ी घड़ी विच लखां दा फर्क हुंदा, कहिंदे ने बेसमार घड़ियां इक घड़ी जो गुट ते टाइम दसदी, इक बणदी है घर घमियार घड़ियां, इह उस लखणी घड़ी भगतो जिहड़ी मां दे दर्श करा सकदी। घड़ियां होर खरीदियां जा सकदियां पर इह घड़ी खरीदी नहीं जा सकदी। जदों एक बारी वेला लंघ जावे मुड़ के कदे वापस नहीं होता। पांडव कहन लगे, माता जी किधर गए ने? इधर ना उधर, उपर ना नीचे। जब थले जगह मारी तो छे दे चारे पंजे दे निशान धरती से दिखाई दते। पांडवों ने सोचा माता जी तो धरती विच अलोप हो गए ने। कमरिया हिमाचली शब्द कही नूं लोग कमरिया कहिंदे सी। कमरिया लैके धरती खोदनी शुरू कर दिती, उतों पंज चीजा प्राप्त होईआं लो दस रहे आ। जरा गौर फरमाउणी, आगे अंबे माँ तेरे नाम दे प्यारी, आगे अंबे माँ तेरे नाम दे पुजारी, आगे अंबे माँ तेरे नाम दे पुजारी। पहली कमरिया जा मारी ओ ना पांडवा, पहली कमरिया जा मारी ओ ना पांडवा, निकली लौंग सपारी देवा जी तेरे नाम दे प्यारी। आगे चौथी कमरिया जा मारी ओ ना पांडवा, चौथी कमरिया जा मारी ओ ना पांडवा, निकली ए चंदन चौकी प्यारी देवा जी तेरे नाम दे प्यारी। पंजनी कमरिया जा मारी ओ ना पांडवा, पंजनी कमरिया जा मारी ओ ना पांडवा, प्रिय वादी मूरत प्यारी देवा जी तेरे नाम दे प्यारी। आगे अंबे माँ तेरे नाम दे पुजारी, आगे अंबे माँ तेरे नाम दे पुजारी। उस टाइम ते पांच चीजां प्राप्त होईआं तां उत्थे आके कहण बारे रौला पा लिया कि साड़ी जमीन है, इस जमीन के विचों जो भी कुछ निकलेगा सानू फड़ा दो। आपस में झगड़ा होने लगा तो उत्थे एक सियाणा बजुर्ग आके कहण लगा, भक्तो तुसी लड़ो ना, इस मूर्ति नूं गंगा इशनान करवाओ, इस मूर्ति ते जिसका नाम लिखा होगा यह मूर्ति उसनू सौंप दिती जाएगी। मूर्ति नूं गंगा इशनान करवाया गया ता की वेख्या कि मूर्ति के चरणों के पंजे पांडवों का नाम लिखा हुआ सी। यह मूर्ति पंजे पांडवों नूं सौंप दिती। पंजे पांडवों ने उस मूर्ति नूं गद्दी ते विराजमान कर दिता। फिर कहन लगे कि मां साडी भुल बख्शा। आकाश के विचों आवाज आई, ये मैं नहीं दस रहा इतिहास दस रहा है। आकाश के विचों आवाज आई
कि भक्तो तुहाडी भुल तां ही बख्शी जाएगी जे मेरा रातों रात भवन तैयार करोगे। पांडव कहन लगे मां असी कल राज दरबार दे मालक सी, असी सैकड़े भवन तैयार कर सकते सी, पर अज असी कखां दे नहीं रहे। मां कहन लगी पुत्रो तुहाडी भुल तां ही बख्शी जाएगी जे मेरा रातों रात भवन तैयार करो। जाओ बाबा विश्वकर्मा जी नूं कह दिओ। सो मां कोलो आग्या लई, जरा गौर फरमाउणी दस रहे हां। हां जी हां जी, मां पांडुआ ने पवन बनाउणा सारी रहण दा, मां पांडुआ ने पवन बनाउणा सारी सारी रहण का मतलब होंदा भक्तो सारी रात का। पांडवा ने रातों रात भवन तैयार करना सी, मां कोलो आग्या लई भवन बनाउणा शुरू कर दिता। जद भवन बना रहे सी तां नेड़े इक गुजरां दा डेरा सी, इट्टां दा खड़ाक होया, गुजरां दे कन्नी आवाज पई, एक बुढ़ी माई जाग पई उठ पई। उन्हें अपने साथियों नूं आवाज दित्ती, उठो दिन चढ़ गया है। लोगों ने इट्टां गारे दा काम करना शुरू कर दिता, ता उस बुढ़ी माई ने डाची का दुध रिड़कना शुरू कर दिता। डाची लोग ऊटनी नूं कहिंदे सी, जब डाची का दुध रिड़कना शुरू कर दिता ता पांडवा ने सोचा दिन चढ़ गया, किधरों दुध रिड़कण की आवाज आ रही सी, ता पांडव उधर नूं तुर पे। जिधरों दुध रिड़कण की आवाज आ रही सी, मां तेरा नाम जपण दा वेला, नाम जप गुजरी भजन कर गुजरी। मंत्र ने की बने मटकिया, तन की बने मदानी, नाम जप गुजरी भजन कर गुजरी। हेली 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 उस टाइम ते बुढ़ी माई नूं श्राप दे दिता कि इस ऊठनी दे दुध ते मक्खन नहीं आवेगा। ता की हुंदा, एक पहाड़ी का टुकड़ा चाके मंदिर की जो वाही रहिंदी सी पूरी कर दिती। मां नूं बड़े प्यार अते सत्कार दे नाल कहण लगे कि मां तेरा भवन तैयार हो चुका, तू हुण आके निवास कर। मां कहण लगी पुत्तो कोई चौंपड़ी जां मकान बनाया जांदा है, निवास तो पहला पूजा करवाई जाती है, पाठ करवाया जाता, हवन कराया जाता, तुसी मेरा भवन बनाया जाओ, 33 करोड़ देवी देवते नूं सद्दा दे के आओ। पांडो मां दी आग्या अनुसार दल लैके 33 करोड़ देवी देवते नूं सद्दा देने चले जाते ने। कित्थे पहुंच जाते हैं? साधु संतां कोल पहुंच जाते हैं। बाबा जी असी हवन करा रहे हैं, जगन करा रहे हैं, तुसी उत्थे जरूर पहुंचना, इतों अगे तुसी कित्थे जा रहे हो? असी दरवासा ऋषि कोल जा रहे हैं। दरवासा ऋषि बहुत ही क्रोधवान ऋषि सी, जब ऋषि कोल पहुंचे दल दिते, बाबा जी असी हवन करा रहे हैं, तुसी साढ़े हवन जरूर पहुंचना। इस हवन विच होर कौन कौन पहुंच रहा है? बाबा जी 33 करोड़ देवी देवता पहुंच गया है। दरवासा ऋषि कहता फिर मैं नहीं पहुंच सकता,
तेती करोड़ देवी देवता भोजन सकेगा उन्हों का खिंडिया हुआ भोजन मेरे पैरों लग जाएगा मैं 84 के चक्रा विच पै जावांगा। ता पांडव कह लगे असी उन्होंने दल दे के आए हाँ तो दरवासा ऋषि के मन में पूरा क्रोध आ गया। कह लगा कि हवन संपूर्ण नहीं होने देवांगा। जिस टाइम से हवन आरंभ होया 33 करोड़ देवी देवते अपने रथों से विराजमान होके हवन की तैयारी के जग संपूर्ण करने वास्ते जा रहे थे ता दरवासा ऋषि ने एक सप का रूप धारण किया जमीन ते लेट गया। जब रात उपर भी लगने शुरू हो गए तो सप अधमोया हो गया। उसने फिर से पलटी एक गलड़ रूप धारण किया उस सप को चुंज के नाल चुकया उत्ते पहुंच गया जिते गुरु का लंगर तैयार किया जाता है। तो बच्चे भाजी तुसी सियाने बने बैठे हो बड़े सूझवान बैठे हो बच्चों तुसी रोक दिया करो। बच्चे तुसी कुड़ियां तुसी बहुत उठ के उतरो चलो मेरी पी सियाणी उठ जाओ मेरा पुत्र आ जाओ तुसी सियाने तो कमले आ पुत्र इधरली साइड आ जाओ। अच्छा कमले कले हो लत मार के गई सियाने की करिए पर सियाने कहते हैं जिते महाराज का नाम हो कलजुग भी जरूर होगा तेरे च भी आ गए बैठना प्लीज टेक केयर भरा बना के सारे समझदार पता ये जड़िया गल् बड़िया डूंगी गल् असं देश से पैर रखता असं अपनी दिहाड़ी लैनी है आपके घरों घरी सो सा एक ड्यूटी लगी है कि थोड़े कुछ पल्ले पै जाए साढ़े जो उस्ताद भीर उन्होंने सू मत बख्शी है कि जे किसी का कुछ सवार चले तो सवार के आए सो संगत चरणों के बेनती है इधर भैन भी पैंती प्लीज चुप रहना तो पंडित जी साढ़े भैड़े भी बहुत है इन्होंने पूछ लेना कितने से तो फिर तुम्हें दसना पैना भी असं कथा इतों स्टार्ट की प्लीज हथ बन के बेनती है कि वो जोत न जोत मिला के बैठो जो सारी रात जागे हो फल जो लैके जाना तो वो जोत न जोत मिला के बैठो। आओ जी आओ जी उस टाइम से खीर का कड़ाहा बन रहा है जिस टाइम से खीर का कड़ाहा बन रहा है तो उस टाइम से उस पंछी ने सोचा कि जो भी कोई आसे पासे होगा तो मैं ये सप का कर रसोईए को अक् बचा के खीर के कड़ाहे में सुट देवांगा। कहिंदे ने जिहड़ा कोई किसी का बुरा दिखाउंदा है पहला उसका आपका ही बुरा होगा। आया अंबे पंछी का रूप धार आया उस पंछी ने दगा कमाया करंग सप का चुक लिया सपत की नजर बचा के विशुआ कड़ाहे विच पाया पंछी का रूप धार आया। उस पंछी ने रसोईए तो अक् बचा के सप का कर्म खीर के कड़ाहे में सुट दिता कि जेड़ा इस प्रसाद को सकेगा वो मारिया जाएगा